हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चौंदड़ा में आयोजित जनसभा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों में कुछ इजाफा हुआ है, अगर संक्रमण नहीं रुका तो फिर से सूबे में बंदिशें लगाई जा सकती हैं। लिहाजा लोग कोविड नियमों की पालना करते हुए स्वयं और दूसरों को सुरक्षित रखें। राज्य सरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कड़ा प्रयास कर रही है। इस वायरस को नियंत्रित करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए जा रहे हैं। थोड़ा चिंतित भी है, थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत। हमारा लगभग पौने दो वर्ष का कार्यकाल इस दौर में बीत गया, जहाँ ये कोरोना का दौर पूरे विश्व में चल रहा है, देश में चल रहा है, हमारा प्रदेश भी उसको अछूता नहीं था। अभी इस बात के अफसोस है कि बहुत लोगों की जान बचाने की हमने बहुत भरपूर कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर नहीं हो। इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुझे दो परिवार ऐसे मिले जहाँ बच्चे रह गए, माँ बाप, तीन परिवार, दो परिवार मुझे मिले हैं। पिता भी चले गए इस कोरोना के कारण, माँ भी चले गए, छोटे छोटे बच्चे घर में रहते, हम उनको संबल देने की कोशिश कर रहे हैं, सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है कि ऐसे बच्चों के लिए हम हर महीने का 3,500 रुपए जो है मिलाकर के जो सहयोग राशि जो उनको देंगे। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार के विकासात्मक कार्यों पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं ने कोरोना संकट में सभी राजनीतिक लाभ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे नेताओं को जनता खुद जवाब देगी।